कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में अनुशासनहीनता और राज्य में कांग्रेस की हार को लेकर क्या कहा, हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय कुमार यादव जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण थे हरियाणा कांग्रेस के हार की। सर स्वागत है आपका इंटरव्यू। सर क्या प्रमुख कारणें रही हैं हार की, अभी लगातार मीटिंग चल रही है खड़गे जी की आवाज़ ये देखिए ईवीएम मशीन के देखिए आप एक और दो पे सिमिलर वोट्स हैं और कांग्रेस को दिखा रहे हैं 0-1-2। आप बताइए ये ईवीएम मशीन क्या ये आपको लगता नहीं है कि ये ईवीएम मशीन सही कर रही है काम? मुझे ये बताइए ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की तो मतलब कि सारे जो जितने भी जो आपके आपके जो जो एग्जिट पोल था वो सब बेकार हो गए। मतलब हम इतने नकारा हो गए हैं कि हम लोग जो है इतनी बुरी तरह हारेंगे। और जो है देखिए बात सुनिए, गलती जो है सबसे होती है, लेकिन ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरेआम। 99% जो है वो जो आपके ईवीएम मशीन है वो जो है चार्ज है, और जहाँ चार्ज है 99% वहाँ हम हार रहे हैं उन बूथों पर, और जहाँ 70% है वहाँ जीत रहे हैं हम। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के अंदर जो है बड़ा भारी इंडिसिप्लिन चल रहा है। हर आदमी अपने 3-3 लोग कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले आप अपने नंबर तो पूरे करो, नंबर पूरे करे नहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भाई किसका फैसला कौन करता है? पार्टी फैसला करती है, पार्टी के एमएलए फैसला करते हैं। खड़गे जी और राहुल गांधी सोनिया गांधी उन पर छोड़ा जाता है ना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं भी कह सकता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप जो जितने भी पोस्ट बने हैं उस पे मैं नेशनल चेयरमैन हो के नाते भी मेरी पोस्ट मेरी नहीं लगाई। मेरे को दादरी बुला रहे हैं, मुझे बाराड़ा बुला रहे हैं, मेरे को जो है भवानीखेड़ा बुला रहे हैं, मुझे जो है गुड़गांव बुला रहे हैं, मुझे पटौदी बुला रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे जाऊं? मैं सिर्फ जो है चंद लोग ही जो है एक पार्टी को जकड़े बैठे, इससे बात थोड़ी बनने वाली है। पार्टी को इस पर फैसला लेना पड़ेगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या केवल 3-4 लोगों से पार्टी चलेगी? क्या 3-4 लोगों से पार्टी चलने वाली नहीं है? पिछड़ा वर्ग को क्या दिया? पिछड़ा वर्ग को ना तो वर्किंग कमेटी में हमारा कोई हरियाणा से कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना इलेक्शन कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ना हमारा जो है इसमें एसपीसी।